नमस्कार मित्रों, हाजिर एक बार फिर प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ आपके अपने चैनल जेके एस्ट्रोलॉजी पर। और आज एक बार फिर से मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और कैप्रिकॉन राशि की। आप में से बहुत सारे मित्रों का है कि आप गुरुजी कैप्रिकॉन राशि के बारे में बताएं, तो सबसे पहले कैप्रिकॉन राशि के बारे में चर्चा करूँ। उससे पहले मैं आपको कुंडली दिखा देता हूँ, ग्रहण कालिक जो कैप्रिकॉन राशि की पोजिशन रहेगी ग्रहों की, उसको देखें, उसके बाद हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आप देखिए कि शनि सबसे पहले राशि लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके ऊपर ग्रहण हो रहा है तो राशि की अपनी पोजीशन क्या है। तो राशि लॉर्ड शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और लगन आपकी राशि में ही बैठकर, लगन में ही बैठकर चीजों को अच्छी तरह से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ शनि वक्री है। वहीं अगर हम देखें ग्रहण, तो ग्रहण हो रहा है चंद्रमा को और चंद्रमा 12th हाउस में है, 7th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे वरिंग सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो ये सिचुएशन कैसी होगी, अब उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और मैं यही कहूंगा कि ये चंद्र ग्रहण आप लोगों के लिए एक अच्छा चंद्र ग्रहण साबित हो, ये मैं प्रार्थना दुआ भी करूंगा। लेकिन जैसे हमने देखा कि राशि लॉर्ड तो अच्छा है, वक्री अवस्था में होने से थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये देखना होगा कि चंद्रमा की अपनी पोजिशन 12th हाउस में होने से ये बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारा फियर आपके अराउंड जो है वो लेके आएगा। और ये फियर, ये जो भी चीजें हैं, ये लगभग जो है आपको आपकी संतान और पत्नी की ओर से मिलने वाली है। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा, उन बहनों को कहना चाहूंगा, लेडीज को कहना चाहूंगा कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण आपकी प्रेगनेंसी को बहुत बैडली प्रभावित कर सकता है। तो इस दौरान आपको बहुत सारा विशेष प्रिकॉशन लेना होगा। अगर ऑलरेडी आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इसका मतलब है कि आपको और ज्यादा ध्यान अपना रखना होगा। और ये कारण बन सकता है मिसकैरेज का, ये टर्मिनेट हो सकता है, जब बच्चे की आपके पेट में जो ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना। इस समय के दौरान आपको जितना आप शांत रह सकते हैं शांत रहिएगा, जितना आप कोई चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उतना मेडिटेशन और चैंटिंग करने की कोशिश करें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर चंद्र ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव जो बिल्कुल ना पड़े। और दूसरी ओर आपका वैसे भी अपने बच्चों के साथ, आप प्रेगनेंसी के अलावा भी बच्चे होते हैं, तो आपका अपने बच्चों के साथ कोई मतभेद हो सकता है, उनके साथ आर्गुमेंट हो सकता है, और उस आर्गुमेंट के साथ कारण ये दूरियां बन सकती हैं कि बच्चे आपसे नाराज हो जाए, या आप बच्चों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की प्लानिंग कर लें। तो सावधान रहिएगा, अगर आप ऐसा, आपकी इंटेंशंस नहीं है, आप ऐसा कुछ मीन नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि ऐसी सिचुएशन को आप अराइज ना होने दें, ये सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए होगी। वहीं बच्चों के माध्यम से एक और चीज भी यहाँ पे दिखाई पड़ती है कि जो बच्चे एजुकेशन में, उनकी एजुकेशन को लेकर आप चिंतित रहेंगे। हालांकि बच्चे अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और जैसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन होगा, फोकस होंगे, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन बनी हुई उसमें कुछ चिंताएं आपको बनी रहेंगी, ये सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं बनी हुई है। वहीं जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा आपके 7th लॉर्ड है, तो ये 7th लॉर्ड होने की वजह से आपकी मैटर रिलेशनशिप की बात भी है। अगर आप इस समय के दौरान किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसका ध्यान रखें, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है। और आप किसी के ऊपर रिलेशनशिप में इतना विश्वास ना करें कि कोई आपको अब्यूज करे, कोई आपका मिसयूज करे, ऐसी संभावनाएं भी हैं। कोई मीठी बातें करके आपके इमोशन के साथ, आपकी बॉडी के साथ, आपकी बाकी चीजों के साथ खेल सकता है। तो किसी को भी अलाउ मत करें कि कोई आपके जीवन के साथ, आपके आपके इस प्रेम को का जो है जो मिस यूज वो कर सके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर को जॉब मिल जाएगी, आपके पार्टनर की तरक्की होगी, आपके पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ होगा, लेकिन साथ ही साथ पार्टनर की हेल्थ के ऊपर कोई बुरा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि पार्टनर की हेल्थ की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और हल्का फुल्का आपका आर्गुमेंट भी उनके साथ हो सकता है। तो कोशिश करें अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। वहीं पार्टनर को भी चाहिए कि वो छोटी छोटी बातों को लेके, जैसे चंद्रमा जो है हमारे, हमें मानसिक तौर पे प्रभावित करता है, तो इन चीजों से बचें। वहीं आपको पर्सनली किसी तरह की किसी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जाना पड़ सकता है, तो इनकम टैक्स की ओर से आपको थोड़ा सा कोई आ सकता है कि आपने कुछ कुछ गलत किया, तो आप थोड़ा सावधान रहें, कुछ भी ऐसी गलतियां ना करें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ये समय आपके लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। या आप किसी तरह के कोर्ट मैटर से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको हानि हो सकती है।
साथ ही साथ ये समय आपकी हेल्थ को आपको बार बार विजिट कर दिखा रहा है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, बार बार किसी चीज़ की स्कैनिंग के लिए या जीपी के पास जाने के लिए मजबूर कर सकता है, डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर कर सकता है। थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दें, फोकस करें। और 12th हाउस मीन्स वंडरिंग होता है, स्लीपलेसनेस होता है, विचारों का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स होती हैं जो सही नहीं होती हैं। और ये घर से बाहर लेके जाना, देर रात तक जागते रहना जैसी सिचुएशन जो है आपके सामने पैदा कर सकता है। तो अच्छी स्लीप आपको लेनी चाहिए। इस चंद्र ग्रहण का अच्छे प्रभाव जो जुड़े हुए हैं वो मेजॉरिटी आपके पार्टनर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जबकि आपके खुद का जो ये ग्रहण है बहुत अच्छा ग्रहण आपके लिए नहीं है। उल्टा आपके झगड़े, कोर्ट केस में, हेल्थ में बहुत सारे कई तरह के नुकसान जो है आपको बनाए हुए। तो मैं यही कहूंगा मेरे कैप्रिकॉर्न के मित्रों को कि भाई सावधानी रखें, सावधानी हट जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी और जो प्रेम संबंध क्या दुनिया भर की जो चीजें जिनके ऊपर आप विश्वास किए हैं वो लोग आपको चीट कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर ना करें, एक अच्छी और मैच्योर एक्शन के साथ अपनी लाइफ को और इस ग्रहण को अपनी फेवर में करें ताकि आप एक अच्छा समय जो है आने वाला समय उसको जी पाए। नहीं तो ऐसी मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं जिनकी भरपाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये चंद्र ग्रहण कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो मैंने दी है उससे आप भली भांति उससे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, मैनेज करेंगे जो स्थितियां हैं और किसी भी नए इश्यू को क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप लोगों को जो सबसे बड़ी बात है जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आप इस समय के दौरान मैक्सिमम कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक जो चीज़ें हैं वो आपकी फेवर में आएं। इस तरह से आप किसी की राय के साथ ऐसा कर सकते हैं ताकि किसी की गाइडेंस में या जैसे प्रोग्राम के माध्यम से आप बहुत सारी एरियाज मैंने दिए हैं उन एरियाज सेंसिटिव एरियाज को आप कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करें तो आपके लिए ये बात बहुत ही अच्छी बन पाएगी और इससे आपको लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने दी है वो आपके लिए लाभकारी होगी। और एक और बात कहना चाहूँगा कि आपने मेरा चैनल जेके एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब पर जो है वो सब्सक्राइब किया है या नहीं, अगर नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब करें। और क्योंकि उस पर मैं बहुत सारे और भी वीडियोस और बहुत सारी नई नई जानकारियां आपको प्रदान करता रहता हूं ताकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बहुत जल्दी और सबसे पहले आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं इस चैनल के माध्यम से लाइव शोज भी जो है वो करता हूँ एवरी वेनेसडे एंड संडे 5 PM UK टाइम के हिसाब से एंड ऑन फ्राइडे 12 PM यूके टाइम के हिसाब से जो MAT और जेके एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी सेवा में हाजिर होता है। इस दौरान आप मेरे साथ लाइव कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी जैसे ही वीडियो आपके पास पहुँचेगी जो आपको हेल्प करेगी और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, अब किसी नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।